एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इस बात को भी, वो कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो जिसका मास होता है वो मैटर कहलाती है, चाहे वो मेटल हो, गैस हो, वाटर हो या कोई सॉलिड। ठीक है, मैटर को दो में पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि जो मिक्सचर होता है इसका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता, यानी कम ज़्यादा हो सकता है। प्योर सब्सटेंस को दो में कैटेगराइज किया गया, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट को भी तीन भाग में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट, जो कि आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या होता है आगे बताया जाएगा। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर में जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो मिल जाते हैं, मतलब उनको हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि हेट्रोजीनस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से पूरी तरह से मिले नहीं होते, और ये दो तरह के होते हैं, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज वन विच मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे अगर बात करें हम लोग आयरन की, तो वो सिर्फ आयरन ऐसे ही का बना होगा, प्लैटिनम, गोल्ड, है ना, ये सब एक तरह के पार्टिकल के मिलकर बने होते हैं। और प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इन टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि स्प्लिट यानी टूटते नहीं हैं, दो या दो से सरल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होते। इट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और ये सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल या कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आयरन Fe, तो ये जो आयरन है ये सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलकर बना है, यहाँ पर कोई और पार्टिकल नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, मेटल होता है, नॉन मेटल जैसे गैस हो गई, ठीक है, मेटलॉइड होते हैं जो कि सेमी सॉलिड होते हैं, जैसे सल्फर है, सोडियम है। ठीक है, कंपाउंड सोडियम मेटल होता है, सॉरी। कंपाउंड की बात करें, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से कंबाइन करके मिलके बनते हैं, इनका रेशियो फिक्स होता है। जैसे वाटर, वाटर में क्या है, देखो वाटर में हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाती है, H2O। अब इस पूरे वाटर में एक ही कंपाउंड होगा H2O ना, लेकिन ये दो एलिमेंट्स मिलकर बना है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बात समझ में आई। तो जो कंपाउंड होते हैं वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू टू और मोर एलिमेंट बट नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस। कंपाउंड को दो या दो से भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं, केमिकली ये डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाउंड टुगेदर। मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक या तो एलिमेंट या कंपाउंड दोनों केमिकली कंबाइंड एक दूसरे से नहीं करते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, जैसे सॉल्ट का मिक्सचर, वाटर का मिक्सचर, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर एंड पार्टिकल आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जब हम दो अलग अलग सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न में। जैसे वाटर और शुगर का सोल्यूशन ना, हम वाटर और शुगर को घोलने के बाद या वाटर और सॉल्ट को घोलने के बाद उसको अलग नहीं कर सकते, तो ये होमोजीनस सोल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट होता है हेट्रोजीनस सोल्यूशन। हेट्रोजीनस सोल्यूशन क्या होता है या हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेटेड, ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस जो है वो सेपरेट ही रहता है,
एंड द पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग सॉल्ट और वाटर को लेते हैं तो वो कुछ समय के लिए तो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो क्या देखते हैं कि जो सैंड के पार्टिकल हैं नीचे बॉटम में यानी तली पर बैठ जाते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्स्टेंस। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर हमने बताया, अभी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है जो जिसमें हम लोग अलग नहीं कर सकते सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। जैसे वाटर में शुगर घोलना है तो शुगर की क्वांटिटी कम होती है, तो शुगर यहाँ पर सॉल्यूट है, जबकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, इन दिस सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। तो यहाँ पर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है और शुगर सॉल्यूट है। ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन क्या है? पार्टिकल साइज लेस देन 1 मिलीमीटर से पार्टिकल छोटे होते हैं। द पार्टिकल विच शो ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, कभी ध्यान से देखना, किसी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरह से ज़िगज़ैग मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मूवमेंट होता है इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिंग हैपन, इलेक्ट्रोफोरेसिंग हैपन यानी कि जब हम लोग इससे बीम को पास कराएंगे तो ये तुम लोग टेस्ट करना कि जो प्योर सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, उससे लाइट जो है वो आर पार होकर चली जाती है। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो सॉल्यूशन कई तरह का होता है, एक तो एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट का काम करता है, दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर के अलावा अगर कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट का काम करता है तो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि एक टेम्परेचर के बाद सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितना भी टेम्परेचर बढ़ाया जाए जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, यानी कि स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोलाइड सॉल्यूशन की, जो कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का पार्ट है। अ कोलाइड सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, जबकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था किसका, ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होते हैं वो 1 मिलीमीटर होते हैं, जबकि कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल कितना होते हैं? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड, ब्लड क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी तरह से मिल्क जो है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सॉलिड होते हैं, और जो लिक्विड में घुल तो जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद क्या होते हैं? वो अलग हो जाते हैं, जैसे मडी वाटर या फिर सैंड वाटर। ठीक है, इतना क्लियर है?